आदरणीय मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस वंस अगेन इस जीरो टू इन्फिनिटी चैनल के अंदर। ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड सजेशंस एंड क्रिटिक्स। होप यू हैव रीड द डिस्क्लेमर and they enjoyed the episode number 1, also working on its logical techniques for your own benefit। इसके अंदर जिस भी चैनल के अंदर जो भी काम किया हुआ है पूरी तरीके से लॉजिकल है, टेक्निक भरे एंशियंट स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, परंतु उसके साथ में जो लॉजिक दी हुई दैट आर वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि आज का जो आदमी है वो जब तक लॉजिकल अपने तरफ से क्लियर नहीं होता है तब तक वो पूरा उसको काम को करना चाहता ही नहीं है। दैट्स वाई हर टेक्निक के साथ में लॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप उन लॉजिक को समझ के उसको अपने जीवन के हर आयाम के अंदर उसे काम में लेंगे। और जैसा कि हमने देखा था कि एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने एक टेक्निक नंबर 1 की चर्चा की थी, दैट डू द उज्जाई प्राणायाम, दैट इज कॉल्ड द ओशनिक ब्रेथ और द विक्टोरियस ब्रेथ। एक विजेता की तरह सांस लेने का है, दैट इज टू बी डन इन द डीपली हैप्पीली एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन एटलीस्ट फॉर 3% ऑफ द लाइफ मीन्स the 44 minutes। Try to longer hold the breath inside and outside, यानी अंतः कुंभक अच्छी तरीके से करने का है और बाहर कुंभक अच्छी तरीके से करने का है। This was the nutshell for the technique 1। Now we will इस एपिसोड के अंदर हम अलग दूसरी 2 टेक्निकों के बारे में चर्चा करेंगे। टेक्निक 2, to fight with the corona and the COVID-19 age, do the भ्रस्त्रिका प्राणायाम। आप सभी लोग जानते हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। आपको क्लोज आइज के अंदर वी हैव टू डू द भ्रस्त्रिका प्राणायाम विद क्लोज आइज विद एज फास्ट एज यू कैन एटलीस्ट टिल द 5 to 10 मिनट्स। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको करने का है। एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट फॉर दिस? फील द बर्स्ट ऑफ द प्योरेस्ट प्योर क्लीन एनर्जी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनर्जी? दिस इज कॉल्ड एज ए चेतना और द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। बॉडी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जो हमारा पूरा दिमाग चलाती है, जो हमारा पूरा न्यूरल सिस्टम को चलाती है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो एनर्जी फैली हुई है दैट इज कॉल्ड एज ए बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। और उसको मैं एनर्जी कह रहा हूँ। साइंस वाले भी एनर्जी कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी वाले भी एनर्जी कह रहे हैं, एंड बोथ आर वेरी सेम। विच शैल क्लीन योर ब्रेथ सर्किट, जो हमारे सांस का सर्किट होता है, ब्रेथ का सर्किट होता है, उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन करेगा। एंड एनर्जाइज इम्यूनिटी ऑफ योर ब्रेथ सर्किट विल डिफीट द कोरोना और द कोविड-19। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया था कि कोविड-19 या जो कोरोना है दैट इज अफेक्टिंग योर ब्रेथ सर्किट, यानी आपको जो सांस लेने के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है और दैट विल बी वेरी मच बहुत ज़्यादा भयावह है। ठीक है, दैट्स वाई हम 100% पहले कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हाउ टू डील विद द कोरोना, डील विद द कोविड-19। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समय की कुछ कमी होता है और हम सभी लोग एजुकेटेड हैं, आप इंग्लिश के मेरे वर्ड्स को भी सुन पा रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, एंड्रॉइड चला रहे हैं, इसका मतलब है आप गूगल भी कर सकते हैं और यूट्यूब के अंदर भ्रस्त्रिका प्राणायाम को अच्छे तरीके से कैसे करता है 2-4 वीडियो को आप देख लीजिएगा, वो आपकी ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। वी विल टॉक अबाउट द लॉजिक्स, कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशंस। डिटेलिंग यू कैन डू इजीली, ओके, एंड द इफेक्ट विल हैपन इफ यू डू इट। एंड वंस अगेन वी विल टॉक, दिस इज द फूड फॉर द लॉजिकल ब्रेन्स, जो कि ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैं कोई भी काम करूं तो आखिर करूं क्यों, मुझे फ़ायदा क्या मिलने वाला है, क्यों करूं मैं उस चीज़ को। ठीक है, तो उस लॉजिकल ब्रेन को संतुष्ट करने के लिए वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द नटशेल दैट व्हाई द भ्रस्त्रिका प्राणायाम इट विल जनरेट द एनर्जी जो भी हम बात करें बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का, ये उसका निर्माण करेगी। ठीक है, एंड 1 यूनिट ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी जनरेशन इज इक्वल टू डिलीशन ऑफ द 1 यूनिट नेगेटिव एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना ये तमस या नेगेटिव एनर्जी है जो कि आपके सांस को प्रॉब्लम कर रही है, ब्रीथिंग सर्किट को गलत कर रही है। दैट्स वाई इसको हराना है। किस तरीके से हराना है? पॉजिटिव एनर्जी, ये तत्व को हमें अपने अंदर इकट्ठा करना है, अपने को काम में लेने का है। दैट्स वाई वी हैव टू जनरेट द एनर्जी बाय द भ्रस्त्रिका प्राणायाम, बाय द क्लोज आइज। क्लोज आई का भी एक बहुत ही बड़ा फंडा है कि आइज जो हमारी आंखें होती है दैट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द एनर्जी। अगर मैं बहुत देर तक आंखें खुली रखता हूँ तो मेरा एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी, धीरे धीरे करके डिप्लीट होती रहेगी। दैट्स वाई हर योगी, हर जितने भी योगी अगर आपने देखे होंगे, दे आर जनरेटेड द एनर्जी एंड आफ्टर दैट क्लोज देयर आइज सो दैट वो जो एनर्जी का जो मेरा क्या बोलते नुकसान हो रहा था आंखों को खुली रहने की वजह से, वो चीज़ नहीं रहेगा। दैट्स वाई क्लोज आई आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। जो भी ऊर्जा का मेरे पास में है, सपोज मेरे पास 100 क्वांटम ऑफ द ऊर्जा है, 100 यूनिट ऊर्जा है, तो उसको किस तरीके से ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाने का है, ठीक है। उस काम के लिए हमें आइज को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक होता है, अगर हम उनको पालन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें काम करेगी, ठीक है। हैंस द क्लोज आई आर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी फॉर द लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन एंड बाय द फास्टर स्पीड। जैसा कि हमने बोला है, भ्रष्टिका जो होता है बिल्कुल एक विजेता की तरह करना होता है, यानी अच्छे तरीके से आप सांस को खींचेंगे और इमीडिएटली जितना ज़्यादा होगा उतना आप उसको क्या बोलते हैं, बाहर निकालेंगे सांस को। यही भ्रष्टिका का कुल निचोड़ है, या दिस इज द एसेंस ऑफ द भ्रष्टिका। आप केवल सांस को छोड़ने की चिंता कर लीजिए, प्रकृति या हमारा जो शरीर होता है वो अपने आप सांस को भरने की कोशिश कर लेगा, उसको आप रेगुलेट करने की कोशिश मत कीजिए। आप कॉन्शियसली ज़्यादा से ज़्यादा तेज से भ्रष्टिका को छोड़ते रहिए, बाकी जो होता है वो अपने आप फील कीजिए, आपको खुद मज़ा आने लगेगा। मेरे पिताजी बोलते हैं, राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। दिस मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग द टेक्निक, फर्स्ट यूज द टेक्निक। टेक्निक को काम में लीजिए, काम में लेते हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद में आप उसको करना शुरू कर देंगे। आपको समझाने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि भ्रष्टिका क्यों कर रहे हो, उज्जाय प्राणायाम क्यों कर रहे हो। ऑटोमेटिकली यू विल गेट द इफेक्ट 101%। ये प्रफुल्ल डाबी नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको 5000 सालों का पूरा भारत बोल रहा है। भारत जस की जो सनातन संस्कृति होती है वो बोल रही है। आज आपके पास में कोविड है, कल कुछ और आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, आपको अलग अलग तरीके की बीमारियों के साथ में डील करना, हाउ टू डील। दिस इज द जनरलाइज प्रिंसिपल विच आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड बिलीव मी आई एम एजुकेटेड पर्सन, दैट्स वाई आई एम नॉट बोस्टिंग एनीथिंग। मैं कुछ भी आपके सामने डींगे मारने का जरूरत मुझे नहीं है, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, फिर आपकी इच्छा। नाउ अभी एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हमें चर्चा करने का जरूरत है कि वाई वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट, यानी जो मुख्य जो स्पिरिचुअलिटी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके लिए मैंने चैनल शुरू किया है आप तक, आप लोगों तक पहुंचने के लिए, हम उसकी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हैं। तो द रीजन इज इन द कलियुग बिकॉज वी बिलीव इन द OOP अप्रोच, दैट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। आज की तारीख में जो आदमी है वो कर्म के बजाय फल की चिंता ज़्यादा करता है। रिपीटिंग, कर्म की बजाय फल की चिंता ज़्यादा करता है। कर्म करूँ या नहीं करूँ, फल मुझे अच्छा चाहिए होता है। हर आदमी रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है बनिस्पत की अपने जो कार्य करने की जो जर्नी होती है उसके ऊपर। और वही चीज़ आज से लगभग 15 से 20 साल पहले हुआ था, जिसके अंदर आयुर्वेदा जो था वो भारत के अंदर कोई नया चीज़ नहीं है। आयुर्वेदा लगभग 5000, 10000, 15000, 20000 सालों से आप सब लोग जानते हैं, लेकिन व्हाट वाज द रीजन कि आज की तारीख में ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। द रीजन वाज द बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने क्या किया, इससे पहले कि जितने भी योगी थे वो कहते थे मत्स्यासन कीजिए कुछ होगा, शलभासन कीजिए कुछ होगा, ये वाला आसन कीजिए कुछ होगा, और क्या होगा हमें नहीं पता। बाबा रामदेव जी ने पूरी की पूरी सिनेरियो को ही चेंज करके रख दिया। आज वो बोल रहे हैं आप गंजे हो, आप ऐसे ऐसे कीजिए। रिपीटिंग, आपकी प्रॉब्लम है दैट्स वाई आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको पेट में समस्या है या डायबिटीज है तो आप ये वाला आसन कीजिए। इसका मतलब पहले मैं फल की चिंता कर रहा हूँ और उसके बाद में कर्म की चिंता कर रहा हूँ। हर आदमी को पहले ये समझाना जरूरी है कि आखिर उसको फायदा क्या होने वाला है, देन ओनली यू विल डू इट। और वही चीज़ हम कर रहे हैं। उन्होंने लगभग आसन और प्राणायाम तक को कवर किया, एंड वी विल टॉक अबाउट द आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि। ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन बिल्कुल एक हम इजी तरीके से इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं और हम एप्लीकेशंस के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। एंड दे हैव फोकस ऑन द रिजल्ट ऑफ द आसन एंड प्राणायाम, ठीक है। नाउ हमने टेक्निक 2 की चर्चा कर ली, क्यों हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें इसकी हमने चर्चा कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक 3, एंड व्हाट इज द टेक्निक 3, यू ऑल नो वेरी वेल। हर भारत का हर बच्चा जानता है इसके बारे में। ह्यूमन बॉडी चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं। डू द अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम आपको प्राणायाम करने का है विद क्लोज आइज, विद हैप्पीनेस एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। समय थोड़ा सा ज़्यादा आपको रखने का है। क्लोज आई होना जरूरी है क्योंकि दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी एंड विद हैप्पीनेस बिकॉज द पॉजिटिविटी attract the positivity and what will be the effect energy generated by the Bhrastrika pranayam will be stable balanced and will get digested by our body जो भी आप एनर्जी को बनाएंगे that will be digested by our body the breathing circuit will be stable हमारा होगा सर्किट एंड स्ट्रॉन्ग विद द जनरेटेड एनर्जी जो भी एनर्जी हमने जनरेट किया है उससे कुछ स्ट्रॉन्ग भी होगा and immunity of our breath circuit will defeat the corona or the covid-19 and once again request kindly google or youtube it for the detail and the learning and the effect will happen if you are doing it आप मेरे से सुन लो चाहे कुछ और गूगल कर लीजिए आप हज़ार लोगों को सुनते हैं यदि एक मिनट भी आप काम कर लेते हो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है द रूल ऑफ द थ्री इज वर्किंग अगर आप जीवन के अंदर 3 बार भी कोई काम करते हैं 3% भी वर्क करते हैं प्रभाव या इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा एंड व्हाट इज द समरी ऑफ द 3 टेक्निक्स द टेक्निक 1 वाज उज्जय प्राणायाम दैट इज यूज ऑफ द अवेलेबल एनर्जी टू फाइट द कोरोना जो एनर्जी आपके पास में है भगवान की दी हुई जो आप खाना खाते हैं रोटी खाते हैं सन भगवान या सूर्य भगवान आपको जो भी ऊर्जाएं देते हैं बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से जो आपके पास में ऊर्जा अवेलेबल है उसको आपने काम में लिया दैट इज कॉल्ड एज ए उज्जय प्राणायाम टेक्निक 2 अगर मुझे उससे हायर लेवल का जाने का है जो पुरानी ऊर्जा थी वो लेवल मेरे लिए कम पड़ रहा है क्या करने का है मुझे दैट्स वाई डू द भस्त्रिका प्राणायाम क्योंकि कोविड या जो कोरोना है वो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है इट्स नॉट ए प्रॉब्लम जिसको कि आप डिस्प्रिन खाएंगे और हल हो जाएगा पूरे विश्व को इसने नचा के रख दिया 190 कंट्रीज कतार के अंदर लगे हुए हैं एंड यू डू नॉट हैव द वैक्सीनेशन यू डू नॉट हैव द मेडिसिन एट ऑल दैट्स वाई जनरेशन ऑफ द एनर्जी टू फाइट द कोरोना थोड़ा हमें ज़्यादा एनर्जी जनरेट करना बहुत आवश्यक है मोबाइल चार्ज करते हो तो अपने बॉडी को चार्ज करने में क्या प्रॉब्लम मेरे बंधु ठीक है एंड द टेक्निक 3 इज दैट अनुलोम एंड द विलोम प्राणायाम द स्टेबलाइजेशन एंड द डाइजेशन ऑफ द एनर्जी इन अवर बॉडी इन ब्रीदिंग सिस्टम टू फाइट द कोरोना क्योंकि वो जो ऊर्जा मैंने जनरेट कर लिया है उसको अभी मैं ब्रीदिंग सर्किट के ऊपर ही रख रहा हूँ शरीर के अंदर कहीं और भेजने की हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज द कोरोना इज रिलेटेड विद द ब्रीदिंग सर्किट के अंदर एनर्जी चाहिए ब्रीदिंग सर्किट के अंदर क्लीन एनर्जी चाहिए ब्रीदिंग सर्किट के अंदर हमें स्टेबलाइजेशन चाहिए और जितना ज़्यादा मैं स्टेबल होऊंगा उतना ही ज़्यादा आई एम एबल टू फाइट विद द कोरोना एंड माई इम्यूनिटी विल बी वेरी स्ट्रांग अच्छा अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये छोटा सा बच्चा 30 साल का आदमी है एकदम हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये आदमी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कोरोना के बारे में लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह देना चाहता हूँ बंधु विवेकानंद जी का जो डेथ था वो लगभग 36 ईयर के अंदर हो चुका था यू नो वेरी वेल लेकिन पूरा विश्व उनको जानता है इसका मतलब है मैच्योरिटी इज नॉट रिलेटेड विद द एज एट ऑल अगर किसी का उम्र कम होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैच्योरिटी का कंटेंट उसके अंदर कम होता है दैट्स वाई काइंडली टेक इट सीरियसली मैं कुछ भी आपको नया नहीं बताने जा रहा हूँ आई एम जस्ट आस्किंग टू यूज द एंशियंट स्पिरिचुअल टेक्निक्स फॉर फाइटिंग विद द कोरोना और पूरा भारत इन चीज़ों को जानता है तो क्यों ना करना हम शुरू करते हैं और लेट अवर रिजल्ट शुड एस्ट्रोनाइज द वर्ल्ड एंड दीज आर द टेक्निक्स दिखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर दिखने में छोटी छोटी टेक्निक है सब कुछ जानते हैं लेकिन यदि आप करते हैं और क्वांटम के अंदर मास लेवल के ऊपर करते हैं यू विल फील द इफेक्ट ठीक है इट लुक सिंपल येट पावरफुल इन द रिजल्ट और ये मैं नहीं कहता हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति कहती है और विश्व गुरु आप बनाना चाहते हैं मेरे ख्याल से आप मेरे साथ में हैं ठीक है एंड वंस अगेन नोइंग इज गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर यदि आप काम करेंगे तो ही अच्छा है और कुछ ही दिनों के बाद में 21 जून को विश्व योगा दिवस आने वाला है दैट्स वाई कोरोना से फाइट करने में ये यौगिक टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड दिस सीरीज ऑन द कोरोना विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट एपिसोड एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस डाउट फीडबैक सजेशंस क्रिटिक्स कैन बी सेंट एट द davi.praful@gmail.com क्वेश्चंस और आंसर यदि कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में होते हैं तो ज़्यादा बेहतर होंगे और मुझे आप अपना बिल्कुल अपना मित्र अपना बंधु मान के चलिएगा जीवन के किसी भी आयाम की कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है आई विल डू माई दी बेस्ट कि मैं अपनी बुद्धि या ईश्वर ने जो भी मुझे ज्ञान दिया है उससे मैं आपकी हल कर सकता हूँ आप भले मुन्ना भाई MBBS हो या डॉक्टर मुन्नी बहन फ्रॉम द नॉर्थ पोल हो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ हर ह्यूमन के लिए मैं उपलब्ध हूँ And thank you very much all my bandhus for watching हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे। कृपया कोरोना के साथ में मन लगा के फाइट कीजिए, ये इज्जत का सवाल है, भारत की इज्जत अब आपके हाथ में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं आप सभी के अंदर छुपे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।